मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर EVS चैप्टर 19 लोकेटिंग प्लेसेस। इस चैप्टर में हम लोकेटिंग प्लेसेस के बारे में पढ़ेंगे, आपके डायरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। आपकी फोर टाइप्स की डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। कितने टाइप की डायरेक्शन होती है? फोर टाइप्स की, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। आपका जो सन होता है वो हमेशा ईस्ट से उगता है और वेस्ट पे डूबता है। सन कहाँ से उगता है? ईस्ट से, और कहाँ डूबता है? वेस्ट पे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंपास क्या होता है, स्केच, लैंडमार्क, प्लान और सिंबल, इन सब के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। आपके फोर टाइप्स की डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अगर आप अपना फेस सन की तरफ, यानी कि जहाँ से सन उगता है, सन कहाँ से उगता है? ईस्ट की तरफ। अगर आप अपना फेस ईस्ट की तरफ करके खड़े हुए हैं तो वो क्या होगा, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ईस्ट बोलेंगे। और जो आपकी जो पीठ होगी वो आपकी वेस्ट, जो आपकी पीठ होगी वो वेस्ट होगी, और आपका लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका क्या होगा? नॉर्थ होगा, और राइट हैंड साइड साउथ होगा। फिर से देखते हैं, अगर आप सन की तरफ फेस करके खड़े हो, यानी कि जहाँ से सन उगता है, तो वो आपका वेस्ट ईस्ट होगा, सॉरी ईस्ट होगा, और आपकी पीठ वेस्ट होगी, लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ एंड राइट हैंड साइड साउथ। ओके स्टूडेंट्स, अब पढ़ेंगे हम कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें एक मैग्नेट होता है और एक निडिल होती है। वो निडिल हमेशा नॉर्थ के साइड में होती है। कंपास क्या होता है? कंपास आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको डायरेक्शंस बताता है, और उसमें एक मैग्नेट होता है। उस मैग्नेट में एक निडिल लगी होती है। वो निडिल का जो फेस है वो हमेशा कहाँ रहता है? नॉर्थ की तरफ। जो आपके शिप्स होती हैं, एरोप्लेन्स होती हैं, ट्रैकर्स होते हैं, माउंटेनर्स होते हैं, इन सब के पास कंपास होता है। यानी कि कंपास एक इंस्ट्रूमेंट वो हमेशा वो रखते हैं, उसी की हेल्प से वो लोग डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। सेकेंड है आपका स्केच। स्केच क्या होता है? स्केच एक रफ पिक्चर होती है जिसकी हेल्प से हम डायरेक्शन दूसरों को बताते हैं। फिर आपका स्केच में हम एक रफ पिक्चर बना के ड्रॉ करके दूसरे को डायरेक्शन बताते हैं। फिर आपका थर्ड है लैंडमार्क। लैंडमार्क आपका क्या होता है? लैंडमार्क की हेल्प से आप, जैसे आप खड़े हो फतेहपुर में और आपको कहाँ जाना है? कानपुर जाना है, तो फतेहपुर से कानपुर तक की जो डिस्टेंस है वो लैंडमार्क से हमें पता चलती है, यानी कि लैंडमार्क बताता है। लैंडमार्क हमें डायरेक्शन बताता है उस जगह पे, यानी कि फतेहपुर से कानपुर तक में जो जो स्कूल्स हैं, जो फेमस बिल्डिंग्स हैं, वो हम अगर हम मैप में डालेंगे फतेहपुर टू कानपुर डिस्टेंस, तो उसमें पूरी जितनी आपकी फेमस बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, वो सब आ जाएंगे, और वहाँ कानपुर से फतेहपुर तक की वो डिस्टेंस बताएगा, तो इसे हम लैंडमार्क कहते हैं। फिर है आपका प्लान। प्लान आपका, प्लान वो होता है जैसे हम, प्लान मतलब नक्शा। जब हम कोई भी हाउस, कोई भी घर या बिल्डिंग बनवाते हैं तो हम पहले उसका प्लान बनाते हैं, यानी कि पहले उसका नक्शा बनवाते हैं, तब जाके उसी नक्शे के हिसाब से हम घर बनवाते हैं, तो इसको हम एक प्लान कहते हैं। एक ड्राइंग और एक स्मॉल एरिया होता है जिसमें हम पूरा नक्शा अपना बनवाते हैं। फिर है आपका एटलस। एटलस क्या होता है? मैप की बुक को हम एटलस कहते हैं। मैप की बुक को हम क्या कहते हैं? एटलस। फिर है सिंबल। सिंबल आपका, अलग अलग तरह के सिंबल होते हैं। जैसे आपका हाउस है तो उसका सिंबल अलग होगा, स्कूल है तो उसका अलग होगा, बैंक का अलग होता है, स्टोर का अलग होता है। ये आपके सिंबल्स, यानी कि छोटी सी पिक्चर जो कि ड्रॉ की जाती है बताने के लिए कि इस जगह पे क्या है। अगर इस जगह पे घर है तो उसमें घर का सिंबल होगा, बैंक है तो बैंक का सिंबल होगा, स्कूल है तो स्कूल का सिंबल होगा। तो आपको इस चैप्टर में समझ में आ गया होगा कंपास क्या होता है, स्केच क्या होता है, लैंडमार्क क्या होता है, और डायरेक्शन कितने टाइप्स की होती है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क इन योर ग्रुप। थैंक यू।